अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक भाई ने बार बार कमेंट करके हमें बताया कि आर्मोल का साइज़ लेना बताइए। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ आर्मोल के ऊपर, लेकिन भाई साहब ने पूरा वीडियो नहीं देख पाए हैं, या वो वीडियो देखी है नहीं है, शायद नहीं देख पाए हैं। ऐसे वो चैनल पे है, वाइट कलर का शर्ट है, उसमें बताया था आर्मोल का साइज कितना देना है। देखिए, हमने जो चेस्ट है, ये फ्रंट कितना इसका तैयारी आ रही है, देख लीजिए, साढ़े 13 इंच फ्रंट तैयारी आ रही है, 13.5 इंच फ्रंट तैयारी आ रही है। अब इसमें 5 इंच बढ़ाएंगे, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 18.5 इंच आई है। ये फ्रंट हमारा 13.5 इंच है और 5 इंच इसमें हम बढ़ाएंगे तो 18.5 इंच होती है, तो 18.5 का आधा करेंगे तो 9.25 होती है। तो यहाँ से 9.25 इंच पे मार्क लगाए, देखिए ये 9.25 इंच का मार्क लगाए, 9.25 इंच पे मार्क स्टड लगाए। ये मोटा आदमी है, मोटा आदमी है तो क्या है, इसका कंधी बहुत कम रहता है, तो कंधी कम के वजह से हम ये मार्क पे कटिंग नहीं किए, मार्क से थोड़ा ऊपर कटिंग किए, क्यों आस्तीन लगाते समय हमें छाटना भी पड़े या ना भी छाटना पड़े, इसीलिए थोड़ा ऊपर लगाए। अगर जिसका कंधी सही है, ये देख लीजिए, ये कंधी इसका है 18.5 इंच कंधी है, और जिस हिसाब से है ये साइज 13.5 इंच है, तो कम से कम 19 इंच ही कंधी रहना चाहिए, तो इतना आएगा। तो हम इतना अगर यहाँ पे हम देते हैं तो यहाँ पे हम इतना नहीं, जितना मार्क लगाए हैं उतना ही कटिंग करेंगे। ये एक आसान तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, अगर चेस्ट है आपका, चेस्ट है 36 इंची अगर चेस्ट है, या 34 इंची चेस्ट है, तो 36 इंची अगर चेस्ट है, 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, ये देखिए 9 इंच आता है, चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, ये देखिए 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच आता है। इसमें हम 1 इंची कम करेंगे, 1 इंच कम करेंगे, यानी 16 इंची आर्मोल आएगी, 8 इंची आर्मोल आएगी। बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि फ्रंट के हिसाब से 5 इंची बढ़ के लगाइए। ये फ्रंट है 13.5 इंच, तो 18.5 इंच आर्मोल दिए हैं। और ध्यान रखिए कि जिसका कंधी शोल्डर कम है, तो उसमें क्या है, इसको पूरा नहीं छाटिए, थोड़ा ऊपर 0.5 इंच बढ़ा के छाटिए, ताकि आस्तीन लगाते समय नापेंगे तो हमको ज़्यादा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। अरे बहुत से ऐसे जानकारी रहती है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। आप थोड़ा सा देखते हैं, आप सवाल कर लेते हैं, पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगी। और आप जितने भी कमेंट, जितने भी लोग करते हैं, हर एक का जवाब मैं दे देता हूं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसकी वजह से आप सवाल कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब भी सवाल कीजिएगा, हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन देख लीजिए, मैं जो तरीका बताया हूँ वही तरीका से आप कीजिए। अगर 34 इंच चेस्ट है, तो 34 का आधा हिस्सा कितना आ रहा है, चौथा हिस्सा, 34 का चौथा हिस्सा आ रहा है 8.5, ये देखिए 8.5, तो इसमें 1 इंची कम करेंगे, ये देखिए, तो 7.5 इंची आर्मोल आएगी, 7.5 इंची आर्मोल आएगी। और कुछ लोग फिटिंग पहनते तो उसके लिए 7.5 इंची सही है, कुछ लोग कि लूज ज़्यादा पहनते हैं, तो आप इसमें 0.5 इंची बढ़ा लीजिए, 7.25 कर लीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप 8 कर लीजिए। तो ऐसे आप आर्मोल का साइज लगा के कटिंग कर सकते हैं। तब भी कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करते तो मुझे खुशी होती है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।